रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ, इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। 24 जनवरी तक सुल्तानपुर कोर्ट में पेश होने का आदेश कोर्ट ने दिया है। 2014 में देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी का मामला है। देखिए, बीजेपी से टूटकर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं और अब नया अपडेट यह आ रहा है कि उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है। 24 जनवरी तक सुल्तानपुर कोर्ट में पेश होने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया है। 2014 में देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का मामला था। और मेरे सहयोगी आदर्श सिंह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। आदर्श, कल पार्टी बदली, आज वारंट जारी। देखिए, ये जो मामला है ये 2014 का है और ये मामला, ये वारंट जो है इससे पहले भी जारी हो चुका है। 2016 में ये पहला वारंट जारी हुआ था जिस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने स्टे लिया हुआ था और 6 जनवरी को एमपीएमएलए कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य को 12 जनवरी तक हाजिर होने के कहा था। जब वो नहीं हाजिर हुए तो दोबारा 24 जनवरी तक की तारीख दी गई है। यानी ये जो वारंट है ये पुराना वारंट है, बस उस पर इससे 6 जनवरी को खत्म हुआ, जिसके बाद उनको अगली तारीख 12 दी गई थी यानी आज की तारीख दी गई थी और आज जब नहीं पहुंचे हैं तो उनको 24 जनवरी तक आखिरी डेट दी गई है और उस डेट तक पहुंचकर उनको अपनी बात रखनी होगी। और ये भी बताना होगा कि वारंट आपके खिलाफ आगे क्यों न बढ़ाया जाए। 2014 में देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में भी स्वामी प्रसाद मौर्य पर ये आरोप लगाया गया था और उसके बाद से लगातार स्टे चल रहा था। 2016 से यानी तकरीबन 5 साल से स्टे था और अब जाकर वो स्टे खत्म हुआ है और दोबारा उन्हें पेश होकर अपनी सफाई देने को कहा गया है। आदर्श, फिलहाल जैसा कि आप बता रहे कि वारंट जारी हुआ था, पेश नहीं हुए इसलिए गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। अगर 24 जनवरी तक सुल्तानपुर कोर्ट में स्वामी प्रसाद मौर्य पेश नहीं होते हैं तो क्या उनकी गिरफ्तारी होगी? देखिए, 24 जनवरी तक स्वामी प्रसाद मौर्य या तो व्यक्तिगत तौर पर खुद पेश हो या फिर अगर वारंट की शर्तों के मुताबिक वो किसी अपने वकील को भेजकर अपनी बात रख सकते हैं तो उसके मुताबिक उनको वकील को भेजना होगा। अगर उस डेट तक नहीं पेश होते हैं तो एक अंतरिम वारंट जारी होगा जो उनकी आखिरी डेट होगी। यानी उस डेट पर भी अपनी बात रखने के लिए नहीं आते हैं तो निश्चित तौर पर गिरफ्तारी का वारंट जारी हो जाएगा और उसके बाद उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। हालांकि ऐसे मामलों में लगभग देखा गया है कि जो भी एमपी या एमएलए होते हैं, जो वीआईपी होते हैं, वो अपना कोई ना कोई प्रतिनिधि या तो भेज देते हैं और अगर कोर्ट की तरफ से छूट नहीं मिलती है तो फिर व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर अपनी बात रखते हैं। चलिए आदर्श, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर को समझाने के लिए, इस पर रोशनी डालने के लिए। तो यूपी